नमस्कार, तिब्बत इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। मैं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह का प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तीसरी तिब्बती आम सभा के प्रतिभागियों तथा केंद्र तिब्बती प्रशासन के कर्मचारियों को संबोधन। तिब्बतियों की तीसरी विशेष आम सभा ने परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में चीनी हस्तक्षेप को पूरी तरह से खारिज किया गया। सिक्योंग डॉक्टर लोबसांग सांगे ने तिब्बती कार्यालय के प्रतिनिधियों की वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। चीनी पुलिस द्वारा तिब्बती भिक्षु को गिरफ्तार कर गायब किया गया। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भारत चीन द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान तिब्बत मुद्दा उठाने की अपील की। परम पावन दलाई लामा जी का चंडीगढ़ यात्रा। इस हफ्ता का विस्तृत समाचार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बती लोगों की तीसरी आम सभा के प्रतिभागियों तथा केंद्र तिब्बती प्रशासन के कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में तिब्बती भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बौद्ध ग्रंथों के ज्ञान जैसे तर्क, दर्शन और विज्ञान का अध्ययन करने के लिए तिब्बती भाषा सबसे उपयोगी है। उन्होंने पिछले पीढ़ी द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किए गए कार्य को युवा पीढ़ी से जिम्मेदारी के साथ आगे भी जारी रखने की सलाह दी। आगे उन्होंने बताया कि पिछले 60 वर्षों में हम दूसरे शरणार्थियों की तरह शरणार्थी रहे हैं। हमने इस दौरान अपनी संस्कृति और परंपरा को न केवल बनाए रखा बल्कि उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने तिब्बत मुद्दे को जीवित रखने का श्रेय तिब्बत के भीतर रह रहे तिब्बतियों के साहस और दृढ़ संकल्प के साथ ही विभिन्न देशों में रह रहे तिब्बतियों की उत्साह और संकल्प को दिया। परम पावन दलाई लामा जी ने उल्लेख किया कि भारत सरकार के सहयोग से निर्वासन में तिब्बतियों के लिए विशेष स्कूलों तथा मठों की स्थापना की गई और तिब्बतियों द्वारा नालंदा परंपरा से प्रेरित होकर तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म का संरक्षण किया गया है। इस प्राचीन भारतीय परंपरा का तिब्बतियों ने पूरे विश्व में प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए तिब्बतियों को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। अंत में परम पावन दलाई लामा जी ने केंद्र तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व तथा कर्मचारियों की सराहना की और इस नेक काम को जारी रखने का आग्रह किया। दुनिया भर से आए तिब्बतियों ने परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म में चीनी हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए ये प्रस्ताव पारित किया कि परम पावन दलाई लामा जी का पुनर्जन्म पर केवल उनका ही अधिकार है। सन 1969 में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि दलाई लामा की संस्था जारी रहे या ना रहे इसका निर्णय तिब्बती लोगों द्वारा किया जाएगा। 5 अक्टूबर 2019 को तिब्बती लोगों की विशेष आम सभा के समापन समारोह में लगभग 24 देशों के 340 से अधिक तिब्बती प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से 4 प्रस्तावों को पारित किया गया। इनमें 60 लाख तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ने परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुपालन के प्रति अपने सहमति जताई और इसमें चीनी सरकार द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को सिरे से खारिज कर दिया गया। इन 4 प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार से है। पहला,
परम पावन दलाई लामा जी की परंपरा तथा तिब्बती लोगों के बीच अटूट संबंध का पुष्टि करते हुए तिब्बतियों द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास व्यक्त किया गया, साथ ही उनकी दीर्घ आयु एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की गई। दूसरा, तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों द्वारा सम्मिलित रूप से परम पावन दलाई लामा जी के संस्था को सभी प्राणियों की लाभ के लिए जारी रखने और परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म का तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार बनाए रखने के प्रति सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरा, परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म के संबंध में निर्णय का अधिकार निर्विवाद रूप से स्वयं परम पावन दलाई लामा और गांधेन फोटांग ट्रस्ट के संबंधित अधिकारियों के पास रहेगा। चौथा, परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बती लामाओं के पुनर्जन्म के चयन में चीनी सरकार की किसी भी हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य किया गया। इसके अतिरिक्त तिब्बतियों द्वारा चीनी सरकार के आदेश संख्या 5, जिसके अनुसार लामाओं एवं टुलकुओं के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को चीन सरकार ने अपने अधीन पर कर दिया है, को नकार दिया गया। केंद्र तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय के अधिकारियों का वार्षिक बैठक लाक्पा छिरिंग सभागृह धर्मशाला में 7-8 अक्टूबर 2019 को आयोजित किया गया। सीक्योंग डॉक्टर लोबसांग सांगे ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों को केंद्र तिब्बती प्रशासन के 5-50 दृष्टि को प्राथमिकता के साथ ही तिब्बत की राजनीतिक भविष्य, नीति निर्देश, पुनर्जन्म, तिब्बत नीति अधिनियम तथा 2020 में धन्यवाद दलाई लामा की परियोजना पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने तिब्बत कार्यालय द्वारा कार्य किए जाने वाले सुझावों तथा योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने आगे सभा को आगामी तिब्बत समर्थक समूह सम्मेलन तथा तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रमुखों के साथ बैठक के बारे में बताया। तिब्बती सूत्रों के अनुसार पिछले महीने चीन के सिचुआन प्रांत के तिब्बती इलाके में चीनी अधिकारियों द्वारा एक तिब्बती भिक्षु को चीन सरकार की नीतियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए हिरासत में लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सोनम पालदेन को नाभा तिब्बती स्वायत्त प्रांत में 19 सितंबर को तिब्बती भाषा के प्रति वीचैट में समर्थन प्रकट करने पर गिरफ्तार किया गया। 22 वर्षीय सोनम बचपन से ही नाभा कीर्ति मठ के भिक्षु थे। धर्मशाला स्थित कीर्ति मठ से कन्याक छिरिंग ने बताया कि 19 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन एवं मानव अधिकार की अधिकारी श्रीमती डुक्टेन की ने कहा, The exact reasons of his arrest is not known at the moment, but it is suspected that his arrest could be linked to his recent WeChat post that he shared about the deplorable condition of Tibetan language under Chinese policies. So over nearly 1 month, there is no information where he is being detained or the exact reason for his charges. Core group for Tibetan cause, Yani. भारत में तिब्बत समर्थक समूह के सर्वोच्च निकाय के संयोजक श्री रिंचन खांडो खिरमे ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच 11 और 12 अक्टूबर की प्रस्तावित द्विपक्षीय शिखर वार्ता से ठीक एक दिन पूर्व पत्र लिखकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस अवसर पर तिब्बत मुद्दे को गंभीरतापूर्वक उठाने तथा परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि मंडल एवं चीनी सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता प्रारंभ करने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए अपील की है। साथ ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने चेन्नई में प्रस्तावित शिखर वार्ता के दौरान वहां पढ़ाई कर रहे तिब्बती विद्यार्थियों को हिरासत में लेने तथा उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की आलोचना की गई है।
विज्ञप्ति के अनुसार तिब्बती आंदोलन को प्रारंभ से ही अहिंसक बताते हुए गिरफ्तार तिब्बती विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने की मांग की गई है। परम पावन दलाई लामा जी का दो दिवसीय चंडीगढ़ दौरा के दौरान चितकारा विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर विद्यार्थियों को 14 अक्टूबर 2019 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण परम पावन दलाई लामा जी के वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।